नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण में सीता हरण के बारे में तो सभी जानते हैं कि कैसे रावण ने अपनी बहन सूपनखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए देवी सीता को छल पूर्वक हर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण ने सीता के हरण से पहले प्रभु श्री राम की मां कौशल्या का हरण किया था। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल सीता का अपहरण किया, बल्कि वह एक बार प्रभु श्री राम की मां कौशल्या का भी अपहरण कर चुका था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार कौशल्या के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु लिखी हुई थी। साथ ही ब्रह्मा ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। अपनी मौत को टालने के लिए दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन ही रावण कौशल्या को एक डब्बे में बंद कर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की इस चाल और उस स्थान के बारे में दशरथ को बता दिया था जहां कौशल्या को रखा गया था। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गए। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया, लेकिन दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। वहां जाकर दशरथ ने कौशल्या को बंधन मुक्त किया और अपने महल में ले आए। इस तरह रावण ने श्री राम के जन्म से पहले ही अपनी मौत को टालने का प्रयास किया था, जिसमें वो विफल रहा और भविष्य में श्री राम ने रावण का अंत किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।